बिस्मिल्लाम आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मीडिया के बारे में बताऊंगी कि नेटवर्क मीडिया क्या होता है विद कंप्यूटर नेटवर्क्स मीडिया जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं नेटवर्क की बात करते हैं एक नेटवर्क में हमारे पास मोर देन टू कंप्यूटर्स हों तो हम क्या करते हैं नेटवर्क बना लेते हैं तो अब नेटवर्क को बनाने के लिए जो हमारे पास नोट्स हैं कंप्यूटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको अगर हमने आपस में लिंक करना है कनेक्ट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है मीडिया की ज़रूरत होती है ताकि हम उन्हें क्या कर सकें आपस में कनेक्ट कर सकें उन नोट्स को कि आपस में कम्युनिकेशन करवा सकें तो हमारे पास बेसिकली मीडिया दो तरह का होता है एक होता है वायर्ड मीडिया और दूसरा होता है वायरलेस मीडिया वायर्ड मीडिया जितनी भी आपके पास वायर्स हैं वायर्स की तमाम कैटेगरीज़ आपके वायर्ड मीडिया में आ जाती है और जो हमारा दूसरी कैटेगरी है वायरलेस मीडिया की तो हमारे पास जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन है यानी रेडियो वेव्स इंफ्रा रेस सेटेलाइट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो हमारी वायरलेस मीडिया में आती है सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड मीडिया के वायर्ड मीडिया में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर वायर आती है इसके बाद को एक्सल केबल आती है और फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास वायर्ड मीडिया की कैटेगरी में आती है जब हम वायरलेस मीडिया की बात करें वायरलेस मीडिया में इन वायरलेस नेटवर्क द एटमोस्फियर एक्ट एज द मीडियम बिकॉज इट कैरीज द वायरलेस सिग्नल डैट नोट्स एंड सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट तो वायरलेस नेटवर्क में हमारे पास एटमोसफियर क्या करता है मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है तो क्योंकि ये क्या कर रहा है आपके सिग्नल्स लेके जा रहा है जो कि आपके कंप्यूटर्स और सर्वर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसमें हमारे पास रेडियो वेव्स इंफ्रारेड सैटेलाइट्स वगैरह भी सारी वायरलेस मीडिया में आ जाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्योंकि हम वायर्ड मीडिया की बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे कि के आपको ये केबल दिखाई दे रही है ये क्या एक केबल है जिसमें हमारे पास क्या है चार पेयर्स हैं। एक पेयर दो केबल्स के साथ मिल के बनी हुई है ठीक है ये क्या है दो पेयर्स हैं इनको हमने क्या किया आपस में ट्विस्ट किया इनके ऊपर हमने कलर कर दिया कलर की कोटिंग कर दी यानी केबलिंग कर दी और उन्हें आपस में ट्विस्ट किया और उसके ऊपर क्या है एक और प्लास्टिक कोटिंग कवरिंग हुई हुई है ठीक है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल यानी आपके पास टोटल आठ वायर्स हैं जिनकी हमने चार की पेयरिंग कर दी और उनको कलर कर दिया और देन आपने उसके ऊपर एक शीट चढ़ा दी प्लास्टिक की ट्विस्टेड पेयर केबल ट्विस्टेड पेयर केबल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर्स ऑफ वायर्स

यूटीपी कहते हैं क्यों क्योंकि आपने देखा कि इसके ऊपर क्या प्लास्टिक की सिर्फ एक लेयर है जिसकी वजह से क्या इंटरफेरेंस को बाहर से आने वाली इंटरफेरेंस को ये रोक नहीं पाती इसलिए हम इसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर या यू वायर भी कहते हैं सम ट्विस्टेड पेयर वायर इज इन अ मेटल शीट एंड देर फोर दियर फोर इज कॉल्डेड ट्विस्टेड पेयर एस टीपी बाद में जब ट्विस्टेड पेयर केबल आई और ये चीज सामने आई कि ये इंटरफेरेंस को रोक नहीं पाती तो फिर एक इसी की का न्यू फॉर्म आई जिसमें आपने क्या किया उसके ऊपर मेटल की शीट चढ़ा दी ताकि क्या इंटरफेरेंस ना हो जिसका हमने नाम दे दिया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एस ट्विस्टेड पेयर वायर वंस वो बैंडविथ मीडियम बट नेटवर्स बेस्ड और ट्विस्टेड पेयर वायर स्पोर्ट ट्रांसमिशन स्पीड अप टू वन गी बिट पर सेकेंड ट्विस्टेड पेयर को जब आई तो लो बैंडविड मीडियम कंसिडर किया जाता था ये ज्यादा डेटा ट्रैवल नहीं करा सकती लेकिन बाद में नेटवर्क्स में इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 1 गीगाबिट पर सेकंड तक इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कोएक्सल के बाद आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है सबसे पहले आपके पास कॉपर की वायर है इसके ऊपर क्या इंसुलेशन हुई हुई है देन क्या चढ़ी हुई है कॉपर का मेष चढ़ा हुआ है देन फिर क्या एक और आउटसाइड इंसुलेशन है अब चूंकि इसके ऊपर देखें कोटिंग कितनी ज़्यादा है कॉपर भी यूज़ किया हुआ है कॉपर वायर अंदर है फिर उसके ऊपर दो इंसुलेशन है तो फिर इस हिसाब से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है ये ट्विस्टेड पेयर के के केबल के मुकाबले में कोग्जिट केबल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है लाइक द केबलिंग यूज इन केबल टेलीविजन सिस्टम को केबल हैज़ टू कंडक्टर्स वह जितने भी केबल टेलीविजन सिस्टम है उसमें आपकी कोगजिल केबल का इस्तेमाल किया जाता है इसके कितने कंडक्टर्स होते हैं दो कंडक्टर्स हैं one is a single wire in the center of the cable ye kya one is a single wire in the center of the cable ek ye and the other is a wire mesh shield that surrounds the first wire with an insulator between aur dusra kya hai ye wali mesh ye copper mesh to iske kitne insulator hain do hain aur uske upar pe covering hui hui hai ये दो कंडक्टर्स हैं सॉरी उसके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई है Because it supports transmission speeds up to 10 megabit per second. ये कितनी स्पीड को सपोर्ट करती थी टेन मेगाबिट्स पर सेकेंड केबल कैन कैरी मोर डाटा टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायरिंग केबल ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा डाटा लेके जा सकती थी लेकिन ये साथ में एक्सपेंसिव भी थी हाउर इट इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव एंड बिकेम लेस पॉपुलर वैन ट्विस्टेड पेयर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव चूँकि ये एक्सपेंसिव थी तो जब ट्विस्टेड पेयर केबल में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आई तो फिर इसका इस्तेमाल कम हो गया और आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी उसका शील्डेड वर्जन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बाद उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया क्यों क्योंकि वो चीप थी तो आप अगर कभी कोई चीज़ लेने जाएं अगर आपको एक चीज़ महंगी मिल रही है एक सस्ती मिल रही है तो आप किसका इंतखा करेंगे सी बात है कि आप जिसकी प्राइस कम होगी उसकी तरफ रजू करेंगे तो इसी तरह जब आपके पास यू थी का इशू था लेकिन जब उसने टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव किया और एस का वर्जन आया तो फिर वो दोबारा से मार्केट में पॉपुलर हो गई फाइबर ऑप्टिक केबल आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल ये क्या है स्ट्रेट वायर्स जिसमें लाइट ट्रेवल करे फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिकेबल फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास दैट ट्रांसमिट बीम्स ऑफ लाइट रेदर इलेक्ट्रिक करंट फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसी केबल जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बजाय आपकी लाइट मूव करती है ट्रांसमिट करती है फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कैरी डाटा एट मोर देना बिलियन बिट्स पर सेकेंड फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसी केबल है जो कि सबसे जिसकी ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा है जो कि बिलियन स्पीड्स पर सेकेंड में क्या करती है ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसमिशन हार्डवेयर फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन स्पीड नाउ अप्रोच हंड्रेड गी काी बिट पर सेकेंड फाइबर ऑप्टिक की भी टेक्नोलॉजी क्या इंप्रूव करती जा रही है और ट्रांसमिशन स्पीड अब उसकी हंड्रेड कब्लिक से भी कहीं ज़्यादा है फाइबर ऑप्टिक केबल इज इम्यून टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर कॉपर वायर इसके ऊपर इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता जो कि कॉपर वायर में एक मसला है फाइबर ऑप्टिक केबल नॉट ओनली इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड कैन कैरी एन इन नंबर ऑफ मैसेजेस साइमल्टेनियसली हमने बात की थी कि फाइबर ऑप्टिक क्या है एक्सट्रीमली फास्ट केबल है जिसमें आप ऑफ बिट्स क्या करते हो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते तो हैं जो एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बट इट इज अ वेरी सिक्योर ट्रांसमिशन मीडियम ये क्या है साथ के साथ बहुत ज्यादा सिक्योर ट्रांसमिशन मीडियम भी है लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं जहाँ पे आपकी कह लो कि के बैकबोन नेटवर्क्स होते हैं बैक बॉन लाइंस होती हैं वहां पे हम फाइबर ऑप्टिक को बिछाते हैं क्यों क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो हम इसको यानी जोड़ जोड़ के जैसे आपके घर के टेलीफोन की क्या है एक बैकबोन लाइन है बैकबोन से आगे कनेक्शन घरों के अंदर जा रहे हैं तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जहां पे भी आपकी बैक बोन चल रही है वहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करते हैं क्यों क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा आपका डाटा ट्रांसफर्मेट करती है फास्ट होती है और सिक्योर भी होती है ये था हमारा आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको केबल्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज